सफल होना है तो चलना ही होगा। आज का टॉपिक हम लोग के बीच में रहेगा, सफल होना है तो चलना ही होगा। आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ अपने ओरिजिन पॉइंट से बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगह पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वह रुकती कभी नहीं है। अपनी सुरीली आवाज़ के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी हो अपने लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। सोचिए, यदि नदी बीच में बहना छोड़ दी तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और कुछ ही दिनों में सूख कर नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यही हमारी लाइफ में होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो इस लक्ष्य तक पहुँचने की पहली शर्त है कि आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फैलाए खड़ी मिलती है। यह बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है। जो लोग मन से कमज़ोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलताओं को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन आप जैसे वीर लोग इन परेशानियों का सीना तान का सामना करते हैं। भले ही टारगेट तक पहुंचने की स्पीड में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकते कभी नहीं हैं। और जो रुकते नहीं हैं, उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। ध्यान रखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना पहली शर्त है। लगातार बहती नदी ही अपनी मंजिल प्राप्त करती पाती है। समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेजी से, लेकिन रुकती कभी नहीं है। इसलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संभव ही नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें अरबों गैलेक्सी हैं, खरबों तारे हैं और अनगिनत ग्रह हैं, सभी चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। प्रकृति का नियम है कि जो रुक गया उसका असफल होना या नष्ट होना तय है। यदि आप अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि रुकना कभी नहीं है। विवेकानंद जी ने सही कहा है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। सोचिए कि जो लोग अपना लक्ष्य केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि इसके लिए चलना बहुत पड़ेगा, इससे ज़्यादा बड़ी असफलता कोई नहीं हो सकती। क्योंकि सफलता व असफलता तो बात की बात है। खुद को बिना प्रयास के असफलता की ओर धकेल देना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आपका दिल सबसे बड़ा दोस्त है। वह आपके लिए, केवल आपके लिए हमेशा धड़कता रहता है ताकि आप अपना मंजिल प्राप्त कर सकें। आपके शरीर के खून की हर एक बूंद हमेशा चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। इसके लिए केवल आपके लिए, किसके लिए? केवल आपके लिए। आपके शरीर के बहुत से अंग हमेशा चलते रहते हैं और संदेश देते रहते हैं कि लगातार चलना ही सफल जीवन है। आपके कान हमेशा सुनते हैं और आपकी आँख हमेशा देखती है, किसके लिए? केवल और केवल आपके लिए, ताकि आप सफलता की ओर हमेशा बिना रुके बढ़ते रहें। दोस्तों, अब मैं आपको फिल्म सफर के गाने के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे मन्ना डे ने गाया है। ज़रा इसकी मोटिवेशनल लाइन्स को तो पढ़िए, सुनिए। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरना नहीं है, आधी से तूफान से डरता नहीं। तू न चल चलेगा तो चल दिगी राहें, मंजिल की तरसेगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारे, बड़ी तेज समय की धारा है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो देर किस बात की दोस्तों, आज और अभी से कमर कस लो और लक्ष्य तय करके उसकी ओर चलना शुरू कर दो। चलते रहो और बीच में रास्ते में आए बाधाओं को सीना तान कर पार करते रहो। सफलता आपके कदमों में होगी। धन्यवाद दोस्तों।